दिल्ली की पुलिस कितनी मुस्तैद है इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। आलम यह है कि बदमाशों के दिल से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। ऐसे में बदमाश सरेआम अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। वहीं कुछ बदमाशों ने एक युवक पर तेजाब फेंक दिया जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अली अब्बास घर से अपने दोस्तों को मिलने के लिए जा रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। उधर एएसपी कमलेश दीक्षित का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। ये अली अब्बास ये रात के समय बैठे हुए थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। लगभग 11:45 रात को इनके पास एक अज्ञात कोई फ़ोन आया और फ़ोन करते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर भी 300-400 मीटर गए थे कि इनके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तेजाब फेंक दिया गया जो इनके चेहरे पर और कंधे पे पड़ा। इस संबंध में परिवारजनों की तरफ से तहरीर दी गई है जिसमें FIR लॉज कर लिया गया है। अज्ञात की पहचान के लिए निरंतर प्रयास जारी है। शीघ्र ही हम घटना का अनावरण करके दोषी की गिरफ्तारी करेंगे और घायल का इलाज मेरठ में चल रहा है। संभल से मोहम्मद सद्दाम हुसैन, खबर हरपल इंडिया।